Hi, this is Mona Lisa and you're watching me on Desi Feed channel. मैं बहुत कुछ कहना है मुझे इस बेकाबू में मेरा जो लुक्स है वो काफी डिफरेंट है. मैंने ऐसा लुक मैंने अपने आप को भी ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है क्योंकि इतने डिफरेंट डिफरेंट लुक्स मेरे ऊपर आया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1980s वाला लुक एंड देन 2023 वाला लुक. सो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड इस लुक के पीछे काफ़ी मेहनत है क्योंकि एक एक लुक के लिए आई थिंक 4-5 hours दिया गया है ड्यूरिंग द लुक टेस्ट. सो और मैं भी कभी बोर नहीं होती थी क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था कि मेरे ऊपर ट्राई किया जा रहा है एंड आई विल बी सीन लाइक दिस एंड जो चीज़ मैंने खुद भी कभी नहीं किया है तो डेफिनेटली मुझे जब इतना अच्छा लग रहा है ऑडियंस भी इतना ही मुझे पसंद करेंगे. बहुत सही आपने पूछा है. आई थिंक ये मेरा फर्स्ट ऑफ द काइंड फैंटेसी ड्रामा है. ऐसा मैं इसके पहले मैंने सुपर नेचुरल किया है वो भी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था बट ये आपने जैसे सही बोला कि हाँ वील हैव टू इमेजिन लाइक हाउ अ राक्षस विल बी फिर आई हैव नेवर सीन और बट मुझे इमेजिन करना है और मेरे डायरेक्टर्स भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं बट एक पॉइंट पे मतलब आपको ही करना होता है लाइक द एक्टिंग पार्ट यू ओनली हैव टू डू. यू कैन से कि हाँ आपके ऐसे हो रहे हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती ऐसा हो रहा है आपके साथ ऐसा हो रहा है सो आप यू हैव टू इमोट. तो वो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन के साथ ही अगर मैं कर रही हूँ अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली डायरेक्टर विल सी बट अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है तो आई होप कि अच्छा ही आएगा फाइनली. ऑफकोर्स हाँ बहुत ही अच्छा है. अभी तो हम आज हमारी आई थिंक दूसरा दिन है जब मैं ईशा और शालिन से मिल रही हूँ. नहीं ईशा से मैं नरेशन में भी मिली थी तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड शालिन के साथ ही मेरा दूसरा दिन है एंड वी आर हैविंग अ गुड फन टाइम. प्रेस रिलीज का दिन है और मतलब काफ़ी अच्छे गेम्स भी खेला जा रहा है सो वी आर हैविंग फन एंड आई होप दिस बॉन्डिंग गोज ऑन लाइक दिस. मैं भी बेकाबू हो रही हूँ. 18 मार्च आने मतलब जल्दी से आ जाए और रात के 9 बजे सैटरडे संडे ओनली ऑन कलर्स. प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कैसा लगा कैसा सब कुछ मेरा कैसा लगा एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ बताइएगा और अच्छा नहीं भी लगे तो भी बताइएगा.